मैं बोल रही थी कि आपका इंस्टाग्राम में देख रही थी, तो आपने एक वीडियो डाला था जहां पे यू नो सलमान भाई जाना है वांटेड के टाइम पे इन ऑर्बिट मॉल में वो प्रमोट कर रहे हैं, तो आपकी कोरियोग्राफी को आपने की थी, बहुत ज्यादा पसंद किया था. फिर जी आपने लिखा रेस्ट हिस्ट्री, तो वो हाँ, हिस्ट्री में थोड़ा सा अगर आप बता सके. नहीं रेस्टिंग हिस्ट्री मतलब क्या है कि हिस्ट्री मतलब वो पास्ट का नहीं बोला मैंने, अभी का बोला कि उसके बाद तो मतलब इतिहास बन गया कि चलो क्या क्या किया अपने, वो सबको पता ही है, वो जी उसका जी मतलब जी वो है। जब उन्होंने बोला कि विल कॉल यू, तो क्या कॉल आई, क्या सारी चीजें अगर आप बता सके. जी नहीं वो मॉल में क्या हुआ था कि एकदम ही अजीब सा वो एनवायरनमेंट था और टाइम भी अजीब था। एंड आई वाज गोइंग गोइंग विद अ वेरी डिफिकल्ट टाइम इन माय लाइफ, सो लॉट ऑफ फैमिली फाइनेंशियल एंड लॉट ऑफ अदर इश्यूज वर देयर इन माय हाउस। तो उस टाइम का क्या, वो डार्क डार्क नाइट बोलते हैं ना, डार्क जोन चल रहा था वो, तो उसको मैं थोड़ा ज्यादा रिमेम्बर नहीं करता, बढ़िया लोग पूछते तो बताना पड़ता है। सो आफ्टर वो शो जिस दिन हुआ दैट इन दैट मॉल, एंड आफ्टर दैट मॉल हम सब घर पे आए और हमको ऐसा लगा कि पता नहीं सलमान कॉल करेगा नहीं करेगा, यू नो ये सब हम आपस में डिस्कस कर रहे थे, कह रहे तो हीरो लोग होते हैं, बड़े बड़े स्टार होते हैं, ये लोग कॉल नहीं करते, ये खाली बस बोलते हैं कि यू नो टच में रहना एंड ऑल दैट। सो वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग, हमको है भाई चलो भाई सलमान खान ने बोल दिया टच में रहना बड़ी बात है, अब वो नहीं करेंगे तो हमको कोई उससे गम नहीं है, कोई गिला नहीं है, सामने वाला बस इतनी बड़ी बात बोल दिया कि टच में रहना तो बस हो गई ना। सो बेसिकली सो देन वी गॉट होम, हम सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए कि ठीक है चलो यार, एक मोमेंट आया जहां पर यू नो एक सेलिब्रिटी ने हमको रिकग्नाइज किया, हमको एक यू नो हमको हमारा परफॉर्मेंस देखा और ये सब। तो वो होने के बाद देन वी वर बैक टू अवर लाइफ, सेम अंडरग्राउंड डांस कॉम्पिटिशन, हिप हॉप स्ट्रीट्स पे डांस करना, वो हम पीछे वापस आ गए। तो एक 1.5 महीने बाद मुझे फोन आया, लाइक 1.5 महीना नहीं, आई कैन से 1 महीने के अंदर आसपास में, मुझे इतना याद नहीं है, 20-25 दिन और 1 महीने के बीच में फोन आया। एंड लाइक हर रात को 11 बजे की बात है, 11-11:30 की बजे बात है, एंड इज लाइक के अरे सलमान। सो आई इज लाइक, मैंने बोला सलमान नहीं, मैं सलमान नहीं हूँ, मैं मुदस्सर हूँ। सो ही सेड नहीं मैं सलमान बोल रहा हूँ। तो आई इज लाइक अच्छा आप सलमान बोल रहे हैं, तो मैं बोला हाँ बोलिए, क्योंकि बेसिकली क्या है हमारे काफी रिश्तेदारों में सलमान वलमान नाम होता है और बहुत किसी ना किसी का होगा नाम, तो मैंने बोला हाँ बताइए कोई होगा, मैं बोला तो मैंने बोला बोलिए, तो इट्स लाइक के सलमान खान। तो मैंने बोला, मैं थोड़ा ऐसा हो गया, मुझे लगा कोई मजाक कर रहा है मेरे साथ, तो मुझे लगा मेरी जो टीम है वो बहुत मजाकिया है, मेरे सारे स्टूडेंट्स और मेरे असिस्टेंट्स और सब, तो बहुत मजाकिया, बहुत ही ज्यादा प्रैंकस्टर है बड़े, क्यों मैं हमारे साथ प्रैंक करते रहते हैं, मेरे साथ भी करते, तो मुझे लगा कि मेरे साथ कुछ प्रैंक वैंक कर रहे हैं। मैं बोला हाँ हाँ बोलो बोलो, इस तरह मैंने एकदम लीस्ट इंटरेस्टेड लिया है, जस्ट टोल्ड देम हाँ बोलो बोलो क्या हुआ। सो देन इज लाइक ही स्टार्टेड सेइंग इन इंग्लिश के आई एम कॉलिंग यू सिंस सो लॉन्ग एंड यू आर नॉट पिकिंग अप माय फोन एंड दिस एंड दैट, एंड उनकी आवाज इज लाइक वेरी हैवी, लाइक आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम सो लॉन्ग एंड यू आर नॉट पिकिंग अप माय फोन, लाइक दैट हैवी, लाइक बहुत हैवी है उनका आवाज। सो इट्स नॉट लाइक ऑन ऑन टीवी, आई मीन जो फिल्म में जैसा आवाज है वो इतना अलग है, बट व्हेन यू हियर इट ऑन फोन यू लाइक यू नो डिफरेंट डिफरेंट अनदर वॉइस वॉइस टोन है उनका, एक अलग ही वेट है आवाज में। तो आप तो मैं तो एकदम ऐसे डर गया, मैं बोला यार मैंने ऐसे कैसे बोल दिया, ये तो सच में सलमान खान है। तो मैंने फिर सॉरी, सो मैं सॉरी सॉरी बोलने लग गया, आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई स्टार्टेड सेइंग सॉरी लाइक सॉरी 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 सर सॉरी सर सॉरी सर सॉरी सर लाइक सॉरी आई लाइक 50 टाइम्स। देन इज लाइक यार से चिल चिल यार लाइक कम टू माय हाउस आई वांट टू मीट, लाइक ओके सर। देन ही वाज इन दुबई आई थिंक दैट टाइम, आई एम इन दुबई आई एम कमिंग, एंड देन फिर उन्होंने घर पे बुलाया और पूरी टीम के साथ, तो हमारी पूरी टीम घर पे गई और हमने उनके घर पे परफॉर्म किया जो हम यूजुअली परफॉर्म करते थे, तो उनके घर पे हमने यू नो सारा परफॉर्मेंस परफॉर्म किया और हम बहुत सारे लोग लेके गए थे। तो उन्होंने मैंने ही सेड कहते एंड लाइक तो अलग ही एक माहौल था, हम कभी किसी सेलिब्रिटी के घर नहीं गए थे, तो पहली बार गए वो भी सलमान सर के घर पे, एंड हमको ऐसा लगा कि वो ऐसे राजा की तरह बैठे होंगे और यू नो
नौकर दरवाजा खोलेगा और वो ऐसे बड़ी सी महाराजा कुर्सी पे बैठे होंगे, पर ऐसा कुछ था ही नहीं। उन्होंने दरवाजा खोला तो हम लोग, तो मैं तो शौक हो गया, मैं तो बोला यार ये क्या बात है, सलमान खान ने दरवाजा खोल लिया। तो वहां पे ही वहां पे ही वहां पे आपकी फैन फॉलोइंग एक बढ़ जाती है, वहां पे आप फैन हो जाते हो उस इंसान के। ही ओपन द डोर एंड ही सेड वेलकम वेलकम एंड ही इनवाइटेड एवरीबॉडी इनसाइड एंड आफ्टर आवर परफॉर्मेंस ही आल्सो ऑफर्ड जूस, सबको जूस दिया उन्होंने कि चलो सब थक गए हो जूस पियो एंड ऑल दैट। शाम का टाइम था, संडे शाम को कुछ 6 बजे थे। तो देन स्टार्टेड, देन उसके बाद ही गेव अस फिल्म स्टार स्क्रीन अवार्ड, जो मेरा पहला अवार्ड फंक्शन था, देन फिल्म फेयर, देन आईफा, देन उसके बाद फिल्म स्टार्ट कर दी। फिर हमने दबंग का पहला गाना किया, हम का पीनी है, हम का पीनी है पीनी। फिर वहां से देन ढिंका चिका लाइफ में आया और स्टार्टेड